पाक में हुई बातचीत 9 बार, सेना ने कहा ऑपरेशन के दौरान एजेंसियों में था तालमेल। कांग्रेस का मोदी सरकार पर सबसे बड़ा हमला, कहा बीजेपी सरकार में बढ़ता है आतंकवाद। बीजेपी का पलटवार, हमारे जवानों का मनोबल नीचा ना करे कांग्रेस। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब बच्चों के लिए 25% छोड़कर सभी कोटे होंगे खत्म। ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, एक हफ्ते में बताएं कितना घटा प्रदूषण, 15 की बजाय एक हफ्ते में क्यों ना खत्म किया जाए ट्रायल। टेप कांड में अमित जोगी को कांग्रेस ने 6 साल के लिए किया बाहर, अमित ने कहा मेरे साथ हुआ पक्षपात, अजीत जोगी को भी निकालने की मांग। संजय दत्त के लिए बड़ी खुशखबरी, 114 दिन की सजा माफ, अब 27 फरवरी को ही जेल से बाहर आ सकते हैं मुन्ना भाई। उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दुनिया को चौंकाया, अमेरिका ने बताया भड़काऊ कदम, कार्रवाई की चेतावनी दी, जापान दक्षिण कोरिया भी नाराज। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटों से दुनिया एक चिंता में डूबी हुई है, क्योंकि दुनिया के सबसे अत्याचारी तानाशाह के हाथ एक ऐसी ताकत आ गई है जो इंसानियत के लिए बड़ा खतरा है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी कोरिया और उसके शासक किम जोंग उन की। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और दबाव को ठेंगा दिखाते हुए उत्तरी कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया है। यह हथियार इतना खतरनाक है कि पलक झपकते एक बड़ा इलाका हमेशा के लिए मटिया मेट हो सकता है। लेकिन हैरत की बात है कि किम जोंग उन ने अपने जन्मदिन के ठीक पहले यह धमाका किया है। किसी तानाशाह की सनक का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। बर्थडे ब्लास्ट, जी हां, 8 जनवरी को उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका जन्मदिन है और उससे 2 दिन पहले उसने हाइड्रोजन बम का धमाका किया है। एक ऐसी ताकत अपने पास होने का दावा किया है जो किसी भी विरोधी और विरोध पर भारी पड़ सकता है। आखिर हाइड्रोजन बम हासिल करके उत्तरी कोरिया करना क्या चाहता है? उत्तरी कोरिया, बुधवार सुबह 10 बजे। एक धमाका जिसने धरती को हिला दिया, क्योंकि यह कोई मामूली धमाका नहीं था। अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक बम यानी हाइड्रोजन बम का धमाका था। उत्तरी कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर पुंगेरी के पास जब यह धमाका हुआ, तब इसका असर भूकंप के तौर पर सामने आया। इस भूकंप के साथ ही उत्तरी कोरिया ने हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण का दावा कर दिया, जिसकी बाकायदा सरकारी टेलीविजन पर घोषणा भी की गई। पहले से ही एटम बम का परीक्षण कर चुके उत्तर कोरिया का ये वो दुस्साहस है जिसने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन के इस खतरनाक फैसले का स्वागत लोगों ने ताली बजाकर किया। दुनिया के गरीब देशों में शुमार उत्तरी कोरिया के पास पहले से ही हथियारों का वो जखीरा है जिसकी तुलना चंद बड़े देशों से की जाती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद जिसने अरसे पहले परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था और तमाम प्रतिबंध जिस पर रोक नहीं लगा सके। अब उत्तरी कोरिया के पास दुनिया को तबाह करने वाला हाइड्रोजन बम भी है और यह खबर उत्तरी कोरिया के पड़ोसियों के साथ साथ
एशिया और दुनिया के तमाम देशों को दहला चुकी है, क्योंकि तानाशाह किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तरी कोरिया एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसकी गतिविधियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और न ही किम जोंग उन की महत्वाकांक्षा पर कोई लगाम लगाई जा सकती है। किम जोंग उन दुनिया का सबसे युवा शासक माना जाता है और जिसकी सनक के किस्से किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके किम जोंग क्या हासिल करना चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या हैं? अब ये सवाल दुनिया के सामने है। आठ जनवरी को उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का जन्मदिन है और ठीक दो दिन पहले उसने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। तो क्या ये सनक सिर्फ जन्मदिन का तोहफा है या बर्थडे पार्टी का ब्लास्ट? किम के इरादे अभी पूरी तरह जाहिर नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि उसका मकसद दक्षिणी कोरिया को हड़काना और अमेरिका सहित विरोधी देशों को मैसेज देना है। जैसे ही उत्तरी कोरिया के हाइड्रोजन बम की खबर मिली, आनन फानन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी किम जोंग उन की इस हरकत से दहल गया। स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हम यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के उल्लंघन की निंदा करते हैं, उत्तरी कोरिया से अपेक्षा करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का पालन करेगा। हम उत्तरी कोरिया को परमाणु देश नहीं मानेंगे, उस इलाके में अपने सहयोगी दक्षिणी कोरिया की सुरक्षा करते रहेंगे और किसी भी कार्रवाई का उचित जवाब दिया जाएगा। अपने परमाणु परीक्षण को उत्तरी कोरिया ने न्याय का हाइड्रोजन बम कहा है। जाहिर है उत्तरी कोरिया का इरादा अपनी ताकत दिखाने और अमेरिका सहित जापान और दक्षिण कोरिया को चेतावनी देने का है, लेकिन एक गैर जिम्मेदार देश और एक क्रूर तानाशाह के पास हाइड्रोजन बम होने का डर पूरी दुनिया खासकर एशिया को सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। उत्तरी कोरिया के हाइड्रोजन बम से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, खासतौर पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया में भारी चिंता है। उत्तरी कोरिया की दक्षिणी कोरिया और अमेरिका से लड़ाई क्या है और क्यों किम जोंग उन की इस हरकत से दुनिया को तबाही का डर सता रहा है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हाइड्रोजन बम है क्या और इसका असर क्या होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से ज्यादा तबाही वाला बॉम्ब। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर एटम बॉम्ब गिराए और उसका नतीजा देखकर दुनिया दहल गई। हिरोशिमा पर 15 किलो टन का बॉम्ब, नागासाकी पर 20 किलो टन का बॉम्ब। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब का असर इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब की क्षमता 15 मेगाटन की हो सकती है, जो परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा घातक होगा। नागासाकी और हिरोशिमा की दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाइड्रोजन बम का कैसा असर होगा। दरअसल हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बम है। हाइड्रोजन बम में चेन रिएक्शन फ्यूजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके परमाणुओं के फ्यूजन से विस्फोट होता है। इस फ्यूजन के लिए, इस संलयन के लिए 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी होता है। इस तापमान को परमाणु बम विस्फोट द्वारा हासिल किया जाता है। परमाणु बम बनाने वाले देश ही हाइड्रोजन बम बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बम के लिए जिस तापमान की जरूरत होती है वो न्यूक्लियर विस्फोट से हासिल होता है।
परमाणु बम विस्फोट के बाद फ्यूजन और चेन रिएक्शन शुरू होता है, यानी फिजन और फ्यूजन तकनीक से हाइड्रोजन बम का विस्फोट होता है, जो लगातार होने की वजह से बेहद खतरनाक हो जाता है। परमाणु बम विस्फोट से जो तापमान पैदा होता है उससे फ्यूजन होता है और हाइड्रोजन बम का विस्फोट खुद ब खुद होता चला जाता है, जो एक बड़े इलाके को मटियामेट कर सकता है। दुनिया के चंद देशों के पास ही घोषित तौर पर परमाणु और हाइड्रोजन बम की टेक्निक है, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा भारत और पाकिस्तान का नाम आता है। लेकिन अघोषित तौर पर यह तकनीक उत्तरी कोरिया के पास भी है। पहले 3 परमाणु परीक्षण कर चुके उत्तरी कोरिया ने इस बार हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके सबको चौंका दिया है। माना जाता है कि उत्तरी कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रूस और चीन से मिली है, लेकिन इस बार तानाशाह किम की इस हरकत पर खुद चीन भी नाराज है, क्योंकि यह खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने वाला है। एशिया में माहौल और भी गर्म है, क्योंकि किम के नेतृत्व में उत्तरी कोरिया ने लगातार पड़ोसी देश दक्षिणी कोरिया के खिलाफ आक्रामक रुख रखा है और अब हाइड्रोजन बम की ताकत दिखाकर वो इस इलाके में दादागिरी की शुरुआत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस हद तक सनकी है उत्तरी कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन और कितना खतरनाक है उसके हाथ में हाइड्रोजन बम। नोएडा एक्सटेंशन में शातिर चोरों का कारनामा, 2 घंटे में साफ किए 18 घर, कब होगी गिरफ्तारी, कब होगा माल बरामद, जवाब तो सरकार, रात 11:30 बजे। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ, सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया, डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान, यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग, ना सोता है ये शहर ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर, दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। घर के नाम पर किसी के जवाब, मुझे सीधा जवाब चाहिए, हमारी उत्तर क्या जिम्मेदारी, घटना कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा।
नोएडा एक्सटेंशन में शातिर चोरों का कारनामा। दो घंटे में साफ किए 18 घर। कब होगी गिरफ्तारी? कब होगा माल बरामद? जवाब तो सरकार, रात 11:30 बजे। उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सत्ता विरासत में पाई है। उसके दादा और पिता भी उत्तरी कोरिया के तानाशाह शासक थे और पिता किम जोंग इल खुद एक बेहद क्रूर तानाशाह रहे। हत्या करवाना और अय्याशी के बेहिसाब किस्से पिता किम जोंग इल के साथ जुड़े और मौजूदा तानाशाह किम उनसे भी आगे निकल गया है। किम जोंग ने अपने पिता किंग जोंग इल की मौत के बाद 2011 में सत्ता संभाली। दुनिया में सबसे कम उम्र के शासक माने जाने वाले इस तानाशाह के किस्से बेहिसाब हैं। क्रूरता की मिसाल है किम। हालांकि उत्तरी कोरिया में किम बेहद लोकप्रिय दिखता है, लेकिन दुनिया में उसे राक्षस कहा जाता है। उसकी अय्याशी और सनक के किस्से ऐसे हैं जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। किम को स्विस चीज और तेज रफ्तार कारें बेहद पसंद हैं। उसे बास्केटबॉल और नई हेयर स्टाइल पसंद है। वो तेज तर्रार लड़कियों से घिरा रहता है। 4 साल में 70 कत्ल कर आए हैं। सत्ता में आने के बाद किम ने खतरनाक तरीके से अपने विरोधियों को खत्म करने का अभियान शुरू किया और इसमें कई नेताओं और अधिकारियों की बर्बर तरीके से हत्या की गई। नेताओं और अधिकारियों की हत्या के अलावा किम ने अपने रिश्तेदारों की भी हत्या करवाई। कहा जाता है कि किम को हत्या करवाने की सनक है और कम उम्र का यह तानाशाह जरा भी शक होने पर किसी के कत्ल का आदेश दे देता है। 2014 में 50 अधिकारियों को सिर्फ इसलिए गोली मरवा दी क्योंकि वो अपने दुश्मन और पड़ोसी देश साउथ कोरिया का एक टीवी सीरियल देख रहे थे। किम ने सत्ता पर पूरी पकड़ बनाने के लिए अपने चाचा और चाची तक की हत्या करवाई। किम ने चाचा और बुआ की हत्या करवाई। किम ने करवाई गर्लफ्रेंड की हत्या। हालांकि किम की पढ़ाई यूरोप में हुई है और वो आधुनिक होने का दिखावा भी करता है, लेकिन उसकी सनक ऐसी है कि लोग थर्रा उठते हैं। हत्या करवाने का उसका अंदाज बेहद निर्मम है, भूखे कुत्तों के आगे डालकर हत्या। किम के जिन रिश्तेदारों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, किम ने उनको भूखे कुत्तों के आगे डलवा दिया। इसके अलावा अपने विरोधियों को वो जहर देकर मारता है। किम की बर्बरता के शिकार सेना के आला अधिकारी और यहां तक कि देश के उप प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं, जिनकी मशीन गन और मोर्टार से खुले में गोली मारकर हत्या की गई। विरोधियों को गोलियों से भुनवाना किम का पसंदीदा शगल है। किम जैसा अत्याचारी कोई नहीं। उत्तर कोरिया में नागरिकों को 20 से ज्यादा अलग अलग अपराध में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा सुनाई जाती है। देश के खिलाफ काम करने वालों की 3 पीढ़ियों को गिरफ्तार किया जाता है। माना जाता है कि क्रूरता के मामले में किम अपने पिता किम जोंग इल से भी 2 कदम आगे है। इसके अलावा अय्याश और बदमिजाज भी। अपने रक्षा प्रमुख को उसने सिर्फ इसलिए तोप से उड़ा दिया क्योंकि वो मीटिंग में सोता हुआ पाया गया, जो जरा सा विरोध होने पर अपने बुआ और फूफा की निर्मम हत्या करवा सकता है। वो शख्स परमाणु बम और हाइड्रोजन बम की ताकत के साथ कितना खतरनाक हो सकता है, अब यही बात दुनिया को डरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद आपके उस सवाल का भी जवाब देंगे कि आखिर क्यों उत्तर कोरिया अपनी दबंगई दिखा रहा है, उसे अमेरिका से डर क्यों नहीं लगता और दक्षिण कोरिया से उसकी लड़ाई क्यों शुरू हुई। बने रहिए हमारे साथ। नोएडा एक्सटेंशन में शातिर चोरों का कारनामा। 2 घंटे में साफ किए 18 घर।
कब होगी गिरफ्तारी, कब होगा माल बरामद? जवाब तो सरकार रात 11:30 बजे। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप, हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेवन आरसीआर तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फंड सिर्फ लाइव इंडिया पर। उत्तरी कोरिया का हाइड्रोजन बम सीधे तौर पर दक्षिणी कोरिया और जापान के लिए बेहद खतरनाक है। आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? दरअसल जो हाइड्रोजन बम बनाया गया है, जिस हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया है, वो किस हद तक खतरनाक है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर सीएसआईआर के वैज्ञानिक से बात की हमारी संवाददाता आरती पांडे ने। नॉर्थ कोरिया ने एक हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग की है, जिसको लेकर दुनिया भर में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ गौहर रजा साहब हैं, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं और सीएसआईआर के। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आखिर हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर जो इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉम्ब नॉर्मल फिशन बॉम्ब, जैसे जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिकन्स ने दो बम गिराए थे, जो मैं समझता हूँ कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, उसके मुकाबले में हाइड्रोजन बम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़े और ताकतवर बम होते हैं। इसमें हम फ्यूजन करते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स को एक दूसरे में फ्यूज करके नए एलिमेंट बनाए जाते हैं। इसमें ऊर्जा कहीं ज़्यादा निकलती है और ये दो स्टेजेस में किया जाता है। एक तरफ फ्यूजन पहले किया जाता है, उससे हम प्लाज्मा क्रिएट करते हैं, एक कंडीशन होती है फिजिक्स में जिसको हम प्लाज्मा की कंडीशन कहते हैं, वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद फ्यूजन होता है और फ्यूजन से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा जो है बहुत विनाशक ऊर्जा होती है। विनाशक इसलिए कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम फ्यूजन को कंट्रोल करके न्यूक्लियर पावर लेते हैं, हमारे यहां भी बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, लेकिन फ्यूजन को हम आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए। कोशिशें जारी, दुनिया में कहीं भी बॉम्ब बने तो वो मानवता के सारे संसाधनों को काट करके हम ऐसी जगह के ऊपर अपने एफर्ट्स लगाते हैं जो एक अंधी गली है। आज हम एक बॉम्ब बनाते हैं, कल दूसरा देश उससे ज्यादा ताकतवर बम बनाता है, फिर तीसरा देश उससे भी ज्यादा। पुराने बॉम्ब्स, पुराने असलहा, पुराने आर्म्स, ये सब कुछ डेड एंड है।
उत्तरी कोरिया का हाइड्रोजन बम सीधे तौर पर दक्षिणी कोरिया और जापान के लिए चेतावनी है, जिन्हें अमेरिका से सुरक्षा मिलती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच लगातार जंग जैसे हालात रहे हैं और ऐसे में किम जोंग उन का सनकी रवैया एशिया के इस हिस्से के लिए कभी भी तबाही का सबब बन सकता है। उत्तरी कोरिया का एच बम। कहर बरपाएगा केम। तानाशाह के हाथ में ताकत। उत्तरी कोरिया के हाइड्रोजन बम ने दुनिया को परेशान कर दिया है। हालांकि उत्तरी कोरिया के पास पहले भी परमाणु बम था, लेकिन हाइड्रोजन बम की ताकत ने उत्तरी कोरिया को बेहद खतरनाक बना दिया है। जैसे ही हाइड्रोजन बम धमाके की खबर आई, अमेरिका की पेशानी पर चिंता की लकीर खिंच गई और जापान के नेताओं में खलबली मच गई। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तरी कोरिया का न्यूक्लियर टेस्ट जापान के लिए बड़ा खतरा है, तो दक्षिणी कोरिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि उत्तरी कोरिया को इस टेस्ट की कीमत चुकानी होगी। उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग का रवैया पहले भी पड़ोसी देश दक्षिणी कोरिया और जापान के खिलाफ आक्रामक था, लेकिन हाइड्रोजन बम की ताकत अब उसे निरंकुश बना सकती है और एशिया में तनाव बढ़ सकता है। आपको बता दें कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध के बंटवारे के बाद शुरू हुई, जिसमें दक्षिणी कोरिया को अमेरिका और जापान का संरक्षण मिला और उत्तरी कोरिया को पहले रूस और फिर चीन का। इस तरह ये दोनों देश कोल्ड वार की रणभूमि बन गए और दक्षिण कोरिया पर दबदबा दिखाने के लिए उत्तरी कोरिया अपनी ताकत बढ़ाता गया। हालांकि उत्तरी कोरिया के पास दक्षिणी कोरिया के मुकाबले दोगुना सैन्य ताकत है, लेकिन दक्षिणी कोरिया को अमेरिका और सहयोगी देशों का समर्थन हासिल है, जो उसकी सुरक्षा की गारंटी भी है। लेकिन अब उत्तरी कोरिया का रुख बेहद आक्रामक हो सकता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बम है जो पलक झपकते लड़ाई का मंजर बदल सकता है। सवाल यह है कि इस वक्त हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके किम जोंग उन क्या मैसेज देना चाहता है? क्या उसका इरादा दक्षिण कोरिया के खिलाफ जंग शुरू करना है? खबर है कि हाइड्रोजन बम परीक्षण की वजह सत्ता पर किम की कमजोर होती पकड़ भी हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि किम के इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव और बवाल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। पठानकोट एयरबेस के पास एक संदिग्ध बैग के साथ गिरफ्तार। श्रीनगर एयरबेस के पास भी दिखे 5 आतंकी। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला, 3 जवान घायल। पठानकोट के हमलावरों को पाकिस्तान के एयरबेस में दी गई थी ट्रेनिंग।
आतंकियों की पाक में हुई थी 9 बार बातचीत, सेना ने कहा ऑपरेशन के दौरान एजेंसियों में था तालमेल। उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दुनिया को चौंकाया, अमेरिका ने बताया भड़काऊ कदम, कार्रवाई की चेतावनी दी, जापान दक्षिण कोरिया भी नाराज। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटों से दुनिया एक चिंता में डूबी हुई है, क्योंकि दुनिया के सबसे अत्याचारी तानाशाह के हाथ एक ऐसी ताकत आ गई है जो इंसानियत के लिए बड़ा खतरा है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी कोरिया और उसके शासक किम जोंग उन की। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और दबाव को ठेंगा दिखाते हुए उत्तरी कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया है। यह हथियार इतना खतरनाक है कि पलक झपकते एक बड़ा इलाका हमेशा के लिए मटिया मेट हो सकता है। लेकिन हैरत की बात है कि किम जोंग उन ने अपने जन्मदिन के ठीक पहले यह धमाका किया है। किसी तानाशाह की सनक का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। बर्थडे ब्लास्ट, जी हां, 8 जनवरी को उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका जन्मदिन है और उससे 2 दिन पहले उसने हाइड्रोजन बम का धमाका किया है। एक ऐसी ताकत अपने पास होने का दावा किया है जो किसी भी विरोधी और विरोध पर भारी पड़ सकता है। आखिर हाइड्रोजन बम हासिल करके उत्तरी कोरिया करना क्या चाहता है? उत्तरी कोरिया, बुधवार सुबह 10 बजे। एक धमाका जिसने धरती को हिला दिया, क्योंकि ये कोई अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद जिसने अरसे पहले परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था और तमाम प्रतिबंध जिस पर रोक नहीं लगा सके। अब उत्तरी कोरिया के पास दुनिया को तबाह करने वाला हाइड्रोजन बम भी है और ये खबर उत्तरी कोरिया के पड़ोसियों के साथ साथ एशिया और दुनिया के तमाम देशों को दहला चुकी है, क्योंकि तानाशाह किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तरी कोरिया एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसकी गतिविधियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और न ही किम जोंग उन की महत्वाकांक्षा पर कोई लगाम लगाई जा सकती है। किम जोंग उन दुनिया का सबसे युवा शासक माना जाता है और जिसकी सनक के किस्से किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके किम जोंग क्या हासिल करना चाहता है, आखिर उसके इरादे क्या हैं? अब ये सवाल दुनिया के सामने है। पाक में हुई बातचीत 9 बार, सेना ने कहा ऑपरेशन के दौरान एजेंसियों में था तालमेल। कांग्रेस का मोदी सरकार पर सबसे बड़ा हमला, कहा बीजेपी सरकार में बढ़ता है आतंकवाद, बीजेपी का पलटवार, हमारे जवानों का मनोबल नीचा ना करे कांग्रेस। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब बच्चों के लिए 25% छोड़कर सभी कोटे होंगे खत्म। ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, 1 हफ्ते में बताएं कितना घटा प्रदूषण, 15 की बजाय 1 हफ्ते में क्यों ना खत्म किया जाए ट्रायल। टेप कांड में अमित जोगी को कांग्रेस ने 6 साल के लिए किया बाहर, अमित ने कहा मेरे साथ हुआ पक्षपात, अजीत जोगी को भी निकालने की मांग। संजय दत्त के लिए बड़ी खुशखबरी, 114 दिन की सजा माफ, अब 27 फरवरी को ही जेल से बाहर आ सकते हैं मुन्ना भाई। मामूली धमाका नहीं था, अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक बम यानी हाइड्रोजन बम का धमाका था। उत्तरी कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर बुंगेरी के पास जब यह धमाका हुआ तब इसका असर भूकंप के तौर पर सामने आया।
भूकंप के साथ ही उत्तरी कोरिया ने हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण का दावा कर दिया, जिसकी बाकायदा सरकारी टेलीविजन पर घोषणा भी की गई। पहले से ही एटम बम का परीक्षण कर चुके उत्तर कोरिया का ये वो दुस्साहस है जिसने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन के इस खतरनाक फैसले का स्वागत लोगों ने ताली बजाकर किया। दुनिया के गरीब देशों में शुमार उत्तरी कोरिया के पास पहले से ही हथियारों का वो जखीरा है जिसकी तुलना चंद बड़े देशों से की जाती है।